जय हिंद दोस्तों, समाधान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, हम में से कई लोगों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ये नमी की वजह से होता है और इसके कई सारे और भी कारण हो सकते हैं। कई बार हमारे बाल उतने मजबूत नहीं होते कि वो बदलते मौसम के साथ चल सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने बालों को मजबूत कर सकते हो, उसमें से फंगल इन्फेक्शन हटा सकते हो, और भी अगर उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उसका समाधान कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्दी उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। दोस्तों, हम कई सारे नुस्खे जानते हैं, कई सारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन हम वो चीज़ें कर नहीं पाते क्योंकि या तो उसमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होती है या फिर उसको बार बार बनाना पड़ रहा होता है, क्योंकि घरेलू जो चीज़ें होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक आप नहीं रख सकते। अगर किसी चीज़ में आपने दूध दही इस तरीके की चीज़ें डाली या अंडा डाला तो आप उसको एक दो या तीन दिन से ज़्यादा संभाल के नहीं रख सकते। इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसा हेयर ऑयल या फिर हेयर मास्क लेके आया हूँ जिसको आप एक से डेढ़ हफ्ते तक रख सकते हैं। उसे आप रोज़ाना अप्लाई करें अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, या फिर आप हर एक दिन छोड़ के अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है तो। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको चाहिए होंगी चार प्याज लेके आप उसका रस निकाल लीजिए। चार प्याज का रस आपको एक कप जितना निकल जाएगा। आप याद रखना, आपको प्याज भी बड़े साइज़ की ही लेनी है। इसके बाद उसके अंदर आप ऐड करेंगे चार चम्मच आंवला पाउडर। हम इसके अंदर ताज़ा आंवला इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आंवला बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो याद रखना, आपको आंवला पाउडर यूज़ करना है चार चम्मच। इस आंवला पाउडर को आपको प्याज के रस के अंदर मिलाना है, और याद रखना मिलाते समय उसमें गांठें ना पड़े, उसे अच्छे से शेक कर लें। साथ ही साथ, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है और थोड़ी देर में ही गायब हो जाएगा आपके फेस पे या आपके स्कैल्प पर, ये स्टिक नहीं करेगा, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल भी डालेंगे। अब कैस्टर ऑयल डालना कितना है, आप कम से कम 5 से 6 चम्मच कैस्टर ऑयल की इसके अंदर मिलाएंगे। इसको मिलाने के बाद इसको शेक करके अपने पास रखेंगे। याद रखिएगा, जब भी आप इसे अपने बालों में लगाने वाले होंगे उससे पहले आपको इसे शेक ज़रूर करना है। तो आप इसे किसी भी पुरानी बोतल में डाल के रख सकते हैं। दोस्तों, हमने इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स या फिर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं करी है, तो इतना तो तय है कि इससे किसी को भी नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। और क्योंकि इसके अंदर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हेयर ग्रोथ में या फिर हेयर स्ट्रेंथ में मदद करती है, साथ ही साथ अगर आपके बालों में कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहे हों उनको भी रिमूव करती है, तो इससे किसी को भी किसी तरीके की प्रॉब्लम होने का चांस ही नहीं है। साथ ही साथ 99% लोगों को इससे फ़ायदा होगा। हाँ, अगर 1% लोगों को इससे फ़ायदा नहीं होता तो हो सकता है उनके हेयर फॉल का कारण कुछ और हो, कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, कोई उनको बीमारी चल रही हो जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा हो, तो उन 1% लोगों को डॉक्टर को दिखा के अपनी वो प्रॉब्लम सही करवानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।